गाइज, अ वॉर्म वेलकम टू यू ऑल ऑन माय चैनल गॉड्स ग्लोरी बाय सुखमनी। हाउ आर यू ऑल डूइंग? कैसे हैं आप सब लोग? आज एक और रीडिंग लेकर आ गई हूँ, एंड आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो ये है कि क्या आपके पर्सन आपके पास वापस आएंगे। जो भी लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। आप जानना चाहते हैं, आप आपके एक्स हैं, आपके पर्सन करंटली कोई हैं जिनके साथ प्रॉब्लम चल रही है, जिसके लिए भी आप देखना चाहते हैं, उसी इंटेंशन से आप उनका नाम लेकर इस रीडिंग को देख सकते हैं। बहुत ही पॉजिटिव मन से रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा, ओके, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एनर्जी एक्सचेंज के लिए, ताकि आप इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाए और आपको सही गाइडेंस मिल पाए। सो आपके जो भी पर्सन है जिनके साथ भी आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, ब्रेकअप हो गया है या कोई ऐसा इशू है, और जानना चाहते हो कि क्या आपके पर्सन आपके पास वापस आने वाले हैं या फिर नहीं, तो देख लेंगे क्या है आपके पर्सन की एनर्जीज और क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन, क्या सोच रहे हैं, क्या वापस आएंगे नहीं आएंगे। सबसे पहले एंजल्स से पूछने की कोशिश करेंगे, एंजल्स क्या बताएंगे कि क्या आपके पर्सन आपके पास वापस आने वाले हैं नहीं, क्या है असलियत, प्लीज़ बताइए। थैंक यू सो मच। क्या आपके पर्सन वापस आएंगे आपके पास या नहीं? थैंक यू। रिव्यूअर्स को प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच। टेक एक्शन, पहला कार्ड, इफ यू बिलीव। दूसरा कार्ड, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। वाओ, अमेजिंग। बॉटम ऑफ द डेक है, देयर इज समथिंग बेटर। ओके, सो थोड़ा सा आपको इन कार्ड्स को एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। सो अभी जो यहाँ पर एंजल्स बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि आपके पर्सन जो हैं सिर्फ तभी आपके पास आ सकते हैं अगर आप बिलीव रखते हैं। तो अगर आपको वो स्ट्रांग बिलीव है कि ये पर्सन वापस आएंगे ही आएंगे, ये पर्सन मुझे बहुत प्यार करते हैं, मुझे बहुत चाहते हैं, ये मेरे बगैर नहीं रह सकते हैं, ये मेरे ही हैं, उन मोमेंट्स को सोचना शुरू कीजिए जो आपने साथ में इनके साथ स्पेंड किए हैं। अगर आपका उतना स्ट्रांग बिलीफ है कि चीज़ें अच्छी होंगी और होकर ही रहेंगी, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके पास वापस आएंगे, आपके साथ एक होंगे, आप दोनों एक दूसरे के साथ फिर से रीयूनाइट हो जाएंगे, खूब सारा प्यार होगा, बहुत अच्छी एनर्जीज होंगी, और जैसे एनर्जीज पहले थी उससे कहीं अच्छी होंगी। यहाँ पे जो कार्ड है, देयर समथिंग बेटर, उससे भी कहीं अच्छा होगा। अगर अभी वो आपसे नहीं मिल रहे हैं तो उसमें कुछ वजह है, अगर ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो इसमें कुछ बहुत अच्छा है। एंजल्स भी ये बता रहे हैं, देयर समथिंग बेटर इन दिस, इसमें कुछ बहुत अच्छा है। सो सक्सेस होगी। देखिए यहाँ पर भी अगर मैं देखूँ बॉटम ऑफ द डेक में सक्सेस का मैसेज है। सो गाइज, यहाँ पर यही पता चल रहा है कि सक्सेस है आपके रिलेशनशिप के अंदर, ओके, एंड अगर आपको ये पर्सन नहीं मिल रहे हैं, एक चीज़ तो तय है, इसमें कुछ बहुत अच्छा है, चाहे वो डिले हो रहा है वो अच्छा है, या आपके लिए कुछ और ही भगवान ने बहुत अच्छा सोचा हुआ है। सो यहाँ पर बोला जा रहा है, अगर आप बिलीव रखते हैं तो ये पर्सन डेफिनेटली आपके पास आएंगे। अगर आपने अभी तक एक्शन नहीं लिया है, आप एक्शन ले सकते हो। हो सकता है इस पर्सन को ऐसा लग रहा हो, या आप लोग बहुत समय से नो कॉन्टैक्ट में हो और इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि शायद आप तो आगे बढ़ गए हो, आप तो शायद किसी और के साथ हो, तो कुछ हो ही नहीं सकता, आप उनके बारे में सोच ही नहीं रहे हो, तो एक्शन लेने की कुछ लोगों को ज़रूरत हो सकती है। और अगर आप बहुत ज़्यादा एक्शन ले चुके हो तब ये मैसेज आपके लिए नहीं है, बट आपको इस तरीके से उनको हिंट्स दे सकते हैं कि आप इस अभी भी आप उनका वेट कर रहे हैं, सो ऐसा भी आप कर सकते हैं, बट यहाँ पे एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है, ओके? ये आपके पर्सन की एनर्जी भी हो सकती है अगर आपकी नहीं है तो। अब पूछना चाहेंगे कि कब होगा, तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, अगले कुछ महीनों में चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी, बहुत खूबसूरत हो जाएंगी, जैसा आपने सोचा है उससे कहीं बेहतर हो जाएंगी, ओके? सो ये आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं कि एंजल्स आपको ये बता रहे हैं कि डेफिनेटली अगर यहाँ पर डिलेज हो रहे हैं, ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं और इश्यूज हैं, तो उसमें कुछ अच्छा ही है। सो यहाँ पर यस ही आ रहा है, और अगर आप बिलीव रखते हैं, ये सब आपके माइंडसेट पे है, अगर आप विश्वास रखते हैं कि वो पर्सन आएगा, इतना स्ट्रांग बिलीव है अगर आपका, तो डेफिनेटली वो
आएगा। अगर आपको अभी भी लगता है कि अभी भी चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं, कुछ तो बाकी है, यू नो हमारे मन में वो चीज़ आती है ना, नहीं ऐसे नहीं ख़त्म हो सकता, कुछ तो बाकी है, कुछ तो है, वो हमारा मन ही हमें बताता है। तो अगर आपका इंट्यूशन आपको ऐसा कह रहा है तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके पास आने वाले हैं। विश्वास रखेंगे आप तो नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाएगा आपके लिए। ओके, और देख लेंगे क्या ये पर्सन वापस आएंगे, क्या एनर्जीज हैं इनकी, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। क्या ये पर्सन वापस आएंगे, क्या एनर्जीज हैं इनकी, थैंक यू सो मच। फर्स्ट कार्ड लेंगे, एस ऑफ फायर, ब्यूटिफुल। सिक्स ऑफ अर्थ, किंग ऑफ वाटर, फाइव ऑफ वाटर, फाइव ऑफ वाटर एंड बॉटम ऑफ द डेक इज बैलेंस। गाइज यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए कि आपके जो पर्सन हैं वो अब सही गलत को वे कर पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप इस कार्ड को देखिए ध्यान से, इनको ऐसा लगता है कि ये सोच पा रहे हैं कि गलत क्या है सही क्या है। यहाँ पे वेइंग स्केल है जो हमको क्या बताता है, तराजू, जस्टिस के बारे में बताता है ना, कि न्याय के बारे में बताता है। तो यहाँ पर जो है एक वेइंग स्केल आपको दिख रहा होगा, तराजू दिख रहा है, जो कि सही तरीके से नाप रहे हैं, तोल रहे हैं किसकी क्या गलती थी और इन्होंने क्या गलत किया। तो हो सकता है कि ये पर्सन शायद कभी कभी ज़्यादा ही मटेरियलिस्टिक हो जाते हैं, प्रैक्टिकली सोचने लगते हैं, जिसकी वजह से इनको काफ़ी इश्यूज आते हैं, ऐसा ये पर्सन फील कर पा रहे हैं। ओके, एंड हो सकता है आपके बीच में कुछ फाइनेंशियल इश्यूज या कुछ, ये प्रैक्टिकल माइंड इनका ज़्यादा ही ऑन था, इस वजह से प्रॉब्लम हो गई आप दोनों के बीच में। मुझे ऐसा भी दिख रहा है बाय द सेस ऑफ फायर कि ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, ये पर्सन आपसे एक्शन लेना चाहते हैं। एंड ये कार्ड जो है फायर एनर्जी यहाँ पर एक्शन के बारे में बता रही है, पर्सन एक्शन लेना चाहते हैं और आप तक पहुँचना चाहते हैं। सो यहाँ पे वापसी की जहाँ तक बात है कि ये वापस आएंगे नहीं आएंगे, तो डेफिनेटली ये पर्सन एक्शन लेंगे, ये वापस आएंगे। तो इनके ना दो रूप हैं, आप उस पर मत जाइए कि ये सामने से क्या दिखा रहे हैं और नहीं दिखा रहे, क्योंकि यहाँ पर जो किंग ऑफ वाटर है वो ये बता रहा है कि ये पर्सन थोड़े रिजर्वड हैं, ये पर्सन थोड़े से इंट्रोवर्ट हैं। ठीक है, ये डेफिनेटली प्यार तो करते हैं, सब कुछ इनका आपके साथ जुड़ा हुआ ही है, बट यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये पर्सन इतना दिखाते नहीं है, बताते नहीं है, इस वजह से आपको समझ में नहीं आता है और सामने से इस तरीके से शो करते हैं जैसे इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बट अंदर ही एक्शन के बारे में सोच रहे हैं। सो आप जो है यही आपके लिए कहा जा रहा है कि ये मत सोचिए कि पर्सन आगे बढ़ गए, मूव ऑन हो गए हैं, ये पर्सन आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं। फाइव ऑफ वाटर भी है यहाँ पे जो बता रहा है कि काफ़ी इमोशनल हुए हुए हैं ये पर्सन, काफ़ी मिसिंग एनर्जी है, रिग्रेट की एनर्जी है, पुरानी चीज़ों के बारे में सोचकर परेशान हो रहे हैं और वेट कर रहे हैं कि कब आप खुद से कॉल करोगे। ठीक है, ऐसा भी इनको लग रहा है, बट जब आप नहीं करोगे तो इनके पास आपको कॉल करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं रहेगा। यहाँ पे बैलेंस का भी कार्ड है जो बता रहा है अपने आप को बैलेंस कीजिए, एंड काफ़ी अच्छे से मुझे लगता है कि आपने अपने आप को बैलेंस किया हुआ है और इसी चीज़ से आपको फ़ायदा होने वाला है अब, कि आपका रिलेशनशिप रिन्यू होने वाला है। देखिए यहाँ पे रिन्यूअल का कार्ड भी है, मैजिशियन का कार्ड भी है, तो जो आप सोचेंगे उसको पूरा कर पाएंगे। पर इस पर्सन की इस चीज़ में मत आइए कि वो तो बहुत इंजॉय कर रहा है, वो तो बहुत ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, नो, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना है कि मेरे साथ सही होगा, मेरे साथ अच्छा होगा और ये पर्सन डेफिनेटली अपनी गलती को रियलाइज करने के बाद आपके पास आने ही वाले हैं, क्योंकि जो आपने इनको प्यार दिया है वो मुझे नहीं दिख रहा है कि इनको कोई भी दे पा रहा है। यहाँ पे फाइव ऑफ वाटर भी ये बता रहा है, परेशान है ये पर्सन, काफ़ी परेशान एनर्जी दिख रही है इनकी, एंड आपके बिना बहुत सैड है, इनको कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा है, इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे से पता नहीं क्या खो गया है, मैंने पता नहीं क्या कर दिया है। तो अब तभी वो रिग्रेट भी आ रहा है बाय दिस कार्ड। ओके, सो यहाँ पर वापसी मुझे डेफिनेटली दिख रही है आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। ठीक है, आप लोग का क्वेश्चन था कि रीयूनाइट होंगे या नहीं, तो डेफिनेटली रीयूनाइट होंगे, आप दोनों एक होंगे एंड ये रिश्ता फिर से बेहतर होगा। देख लेंगे आपके लिए क्या गॉड गाइडेंस आ रही है, आपको क्या कहा जा रहा है करने के लिए, क्या सही है सिचुएशन में आपको करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाइड्रेट,
जितना हो सके आप पानी पीजिए। कुछ लोगों को यहाँ पर मुझे लगता है कि बहुत ही एकदम से डिप्रेशन होने लग जाता है, परेशान होने लग जाते हो आप लोग, समझ नहीं आता कैसे क्या करना है, बहुत इमोशनल हो जाते हो, एंजाइटी होने लगती है, ऐसा लगता है पता नहीं क्या छूट रहा है। जितना हो सके पानी पीजिए, और जब पानी पी रहे हैं तो उसके अंदर आपने अपनी विश मांगनी है, प्रेजेंट टेंस के अंदर बोलना है कि जैसे आप चाहते हैं ये पर्सन आपके पास आ जाए, आप अगर ऐसा चाहते हैं तो आपने देखकर पानी को बोलना है कि पर्सन मेरे पास आ गए हैं, हम दोनों साथ में बहुत खुश हैं, इंजॉय कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिता रहे हैं, ठीक है, हम साथ में एक दूसरे के साथ ही हैं। इस तरीके से आपने बोलना है और एक मिनट के लिए पानी को वो वाइब्रेशन देकर फिर पानी पीना है। और ज़रूर ज़रूर आप हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, आपके इमोशनल इश्यूज भी कम होंगे, आपको मेंटल क्लैरिटी आएगी, और ये पर्सन भी आपके पास जल्दी आएंगे अगर आप ये टेक्निक भी फॉलो करते हैं तो। म्यूज़िक सुन सकते हैं, वो भी एक्चुअली आपको काफ़ी हील करता है, और मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप अगर म्यूज़िक सुनेंगे तो आपकी काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व आउट होंगी। जब हमारा माइंड जो है वो हाई वाइब्रेशन में रहता है, जब हमारी एनर्जीज पॉजिटिव रहती हैं, जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो पॉजिटिव ही सोचता है, उसकी प्रोग्रामिंग इस तरीके से हो जाती है, तो सब कुछ हमारी लाइफ में अपने आप ही अच्छा होने लगता है। वो होगा कैसे? वो होगा अपने आप को वो हीलिंग दे के। कैसे दोगे? म्यूज़िक सुन के, ठीक है। जो भी गाने आपको अच्छे लगते हैं, जो आपके दिल के करीब है, सोलफुल सॉन्ग जिससे आपको शांति मिलती है, वो भी आप सुन सकते हैं। नेक्स्ट इज मेक अ विजन बोर्ड, कहाँ आपको अपनी लाइफ को देखना है, एक प्रॉपर जैसे मैं बोलती हूँ विजन बोर्ड तैयार कीजिए। अगर वो नहीं कर सकते हो, एक आप नॉर्मल कोई भी अपनी एक नोटबुक मेंटेन कर सकते हैं जिसको आप जनरल कहेंगे, एंड उसके अंदर आप लिखना शुरू कीजिए कि आप अपने आप को कहाँ देखते हो आपसे 2 महीने बाद, 1 महीने बाद, आपके गोल्स क्या हैं। आप बेबी स्टेप्स भी ले सकते हैं, आप रोज़ लिखिए, टू डू लिस्ट बनाइए कि कल आप क्या करेंगे, नया क्या करेंगे, क्या स्पेशल करेंगे, अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए क्या ऐसी चीज़ करेंगे। तो जो आपके गोल्स हैं उसके ऊपर काम करना शुरू करना है आपने, एंड ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि आप सोचते बहुत हैं पर कर नहीं पाते। क्योंकि जब हम कहते हैं ना, जब हम किसी चीज़ को लिखते हैं तो जब हमने लिख दिया तो वो हकीकत में यूनिवर्स भी उस चीज़ को फटाफट से एक्सेप्ट करते हैं, मैनिफेस्ट होती है वो चीज़ जल्दी। लिख दी कोई चीज़ तो हम बोलते ना, कोई पत्थर पे लकीर थोड़ी हो गई है, हम कुछ लिखा थोड़ी गया है कहीं पर, ऐसा क्या हो गया। तो लिख दी ना जब आपने कोई चीज़ तो वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होती। तो हो सके लिखना शुरू कीजिए, आपका माइंड भी उस चीज़ को एक्सेप्ट करने लगेगा। सबसे पहले बहुत जो ऐसा नहीं है कि बहुत अनबिलीवेबल चीज़ें आप लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप अभी कुछ नहीं कमा रहे हैं और एकदम से आप ये सोचें कि मैं 50 करोड़ कमाने लग गया हूँ या मेरे पास 2 करोड़ रुपये आ गए हैं, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। सबसे पहले आप छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे, जैसे अगर आप अभी काम नहीं कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं 20,000, 25,000, 30,000, 50,000, जो भी आपको लगता है कि आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से आप कर सकते हैं, फिर उसके बाद आप उसको हाई करेंगे। ऐसा ये कुछ भी नहीं लिख देंगे लिखने के लिए कि हाँ वो सच हो जाएगा, आपके माइंड को भी तो वो चीज़ एक्सेप्ट करनी है ना। तो वही लिखेंगे जो कि आप बेबी स्टेप्स लेंगे, और फिर धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप कहाँ से कहाँ आ गए हैं, आप खुद उस चीज़ को फील कर पाओगे। सो ये आपके लिए मैसेजेस थे, आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई होगी, आपसे कनेक्ट की होगी, आपको गाइडेंस मिली होगी। अगर मिली है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपना प्यार दीजिएगा, एंड इस रीडिंग को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए आई क्लेम दिस रीडिंग कॉमेंट कर सकते हैं आप नीचे कॉमेंट सेक्शन के अंदर, एंड जो भी लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा एक और चैनल भी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपना प्यार दे सकते हैं। मिलती हूँ अगली रीडिंग में, बाय बाय, टेक केयर।